धनखड़ बंधु व बलराज कुंडू के मामले ने महम चौबीसी के अंदर जबरदस्त तूल पकड़ लिया है। मामला था 12 करोड़ रुपए का, जिसमें धनखड़ बंधुओं ने बलराज कुंडू पर मांग की थी। धनखड़ परिवार ने दशहरे के दिन सुबह से ही जिला परिषद चेयरमैन कुंडू के कार्यालय के सामने धरना दे डाला था और इंतजार था जिला परिषद चेयरमैन के महम में आयोजित दशहरा समारोह में आने का। जब शाम के समय जीप चेयरमैन दशहरा समारोह में शिरकत करने से पहले अपने कार्यालय पहुंचे, तो धनखड़ बंधुओं व उनके परिवार ने जिला परिषद चेयरमैन का रास्ता रोक लिया। इस बीच धनखड़ बंधु व बलराज समर्थकों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें धनखड़ परिवार को काफी चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल महम में भर्ती करवाया गया है और वहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। धनखड़ परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि चेयरमैन कुंडू व उसके समर्थकों ने लात घूसों से हम पर हमला किया और उन्होंने महिलाओं तक को नहीं बख्शा है, जिसमें नरेंद्र धनखड़ व सुनील धनखड़ को काफी चोटें आई हैं। पुलिसकर्मी खड़े खड़े पूरे नजारे को देखते रहे, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने बचाव नहीं किया। वहीं बलराज कुंडू ने बताया, ये मेरे राजनीतिक कद को रोकने के लिए विपक्षियों द्वारा निकलाया गया धनखड़ बंधुओं का भूत है। मैं गरीबों के दुख दर्द दूर करने व उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं। क्षेत्र की बहन बेटियों को सबल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूं। इन सकारात्मक कार्य की वजह से जनता में लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे घबराकर विपक्षी बार बार ऐसी ओछी हरकतें करके धनखड़ बंधुओं का प्रयोग करके मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कार्यालय पर जरूर गया था, लेकिन मैंने किसी से कोई मारपीट नहीं की। धनखड़ परिवार मेरे कार्यालय के सामने धरना डालकर बैठा था। उनको वहां से हटाने पर समर्थकों से कहा सुनी हो गई थी। इससे ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। आज लोग हमारा प्याज मांगे, हमारी बेइज्जती करे और वो आसान फकत में गाड़ियों में बैठे आप पत्रकारों इनकी सब भाई हम देने में तैयार है बेटी चौधरी के खिलाफ की बात।